नमस्कार रुआ, आज तक देख रहल बानी और हम रुआ साथे बानी आई नैना। आज रुआ खातिर खबर लेके आयल बानी, उहो भोजपुरी में। तो आई खबर की शुरुआत किल जाए। भारत गठबंधन के बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर के मुंबई में होखे वाला बा और एह बैठक के तैयारी पूरा हो रहल बा। विपक्षी नेता लोग के मुंबई पहुँचे के प्रक्रिया जारी बा। सबसे पहले लालू और तेजस्वी पहुँचले, ओकरा बाद फारूक अब्दुल्ला के फ्लाइट मुंबई उतरल और ओकरा बाद ममता बनर्जी मुलाकात खातिर हाथ बढ़ा दिहली। बिठक के जगह तयबा और एजेंडा भी तयबा। भारत गठबंधन के ओर से एकता अवरी एकजुटता के दावा कैल जाता। एह बिठक से पहले कांग्रेस के ओर से जारी पोस्टर से दूसरा दल के भड़क उठल। पोस्टर में राहुल के अवरी विपक्षी नेता के अगुवाई करत देखावल गईल बा। संघे अरविंद केजरीवाल एकरा में नईखन लुकत। दूसर ओर राजनीतिक दल भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी पर आपन दावा कर रहल बाड़े। कांग्रेस से लेके समाजवादी पार्टी अवुरी आम आदमी पार्टी से लेके जदयू अवुरी शिवसेना तक ए दौड़ में अपना नेता के खड़ा कर देले बाड़े। पीएम पद के दावा पर बहस शुरू हो चुकल बा, जबकि सिर्फ गठबंधन के नाम तय हो चुकल बा। आगे के रास्ता लंबा बा। भारत गठबंधन के बैठक में गठबंधन खातिर संयोजक के भी चुने के पड़ी। नीतीश कुमार समन्वयक बने से मना कर देहले बाड़न, ऐसे अब नजर मल्लिकार्जुन खड़गे पर टिकल बा। मुंबई में होखत तिसरका बैठक में लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारा के लेके भी चर्चा हो सकता। अगर सूत्र पर विश्वास कईल जाए तो कुछ दक्षिणी राज्य के छोड़ के भारत गठबंधन करीब 450 सीट के पहचान कईले बा, जवना पर सिर्फ एक उम्मीदवार के खड़ा कईल जा सकता। खबर बा कि बिहार के 17-17 सीट पर जदयू अवुरी राजद चुनाव लड़ सकता रे, बाकी 6 सीट सहयोगी देशन के दिहल जा सकेला। मायावती लोकसभा चुनाव से पहले बनल भारत अवुरी एनडीए के गठबंधन के उम्मीद के चकनाचूर कर देले बाड़ी। उस साफ का दहली कि बसपा दोनों मोर्चा में से कवनो मोर्चा में ना जुड़ी। भारत गठबंधन मायावती पर भी आपन नजर रखले रही। खबर रहे कि उनुका के भी बोलावल गईल बा, लेकिन मायावती ट्वीट करके साफ कर देली कि ऊना तो भारत के समर्थन करी है ना एनडीए। दोनों गठबंधन से बाहर निकल के मायावती मीडिया से अपील कैली कि फेक न्यूज मत फैलावे। ट्वीट के माध्यम से वो एनडीए अवुरी भारत गठबंधन के अधिकांश घटक के गरीब विरोधी जातवली अवुरी सांप्रदायिक बतावले। वो कहले कि यही से गठबंधन के छत्र छाया में चुनाव लड़े के सवाल नईखे उठत। अब भारत गठबंधन के दल मायावती पर हमला करता रे, लेकिन भाजपा अभी तक उनका के बोलावा देले। बताई कि लोकसभा चुनाव के लड़ाई में उतरे से पहले दोनों गठबंधन परिवार के विस्तार के रणनीति पर काम करत रहे। एनडीए अवुरी भारत के गठबंधन मायावती के गुना में ले आवे के कोशिश कईले रहे। मायावती के बयान से साफ हो गईल कि अब बसपा कवनो गठबंधन के हिस्सा ना बनी। बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव पुराण फार्मूला पर लड़ी। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से एगो आदेश जारी भईल बा, जवना में माध्यमिक शिक्षा निदेशक छुट्टी के रद्द करे के आदेश जारी कईले बाड़े। एकरा तहत ए साल करीब 14 छुट्टी रद्द हो जाई। अवुरी रक्षाबंधन तीज जुतिया में भी शिक्षक के छुट्टी ना मिली। संग ही दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, भैया दूज, गुरु नानक जयंती, चित्रगुप्त पूजा जैसन त्योहार में भी छुट्टी कम हो गई बा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक छुट्टी रद्द करे के कारण बतवल्ले बाड़े की परीक्षा त्योहार अवुरी चुनाव के चलते समय समय पर पढ़ाई में बाधा आवेला। ऐसन स्थिति में बच्चा के हित में छुट्टी रद्द करे के आदेश जारी कर दिहल गईल बा। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद एक बार फिर बिहार के शिक्षक के नाराजगी भड़क गईल बा। अवुरी सभ केहू सरकार के खिलाफ आंदोलन के चेतावनी देले बाड़े। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी बिहार सरकार पर बड़ हमला कईले बाड़े। वो कहले कि दुर्गा पूजा, दिवाली, अवुरी छठ पूजा के छुट्टी रद्द कर दिहल गईल बा। अवुरी काल संभव बा कि बिहार में शरीयत लागू हो सकता, अवुरी हिंदू त्योहार मनावे पर रोक लगा दिहल जाए। बता दी कि बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय के ओर से राज्य के स्कूल के नाम पर एगो महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी भईल बा। बिहार शिक्षा विभाग के ओर से जारी ए अधिसूचना के नयका अनुसूची के मुताबिक बिहार के स्कूल 1 से 5 तक कम से कम 200 दिन तक खुलल रही। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों यूक्रेन के भारी तबाही के सामना करे के पड़ल बा। रूस यूक्रेन युद्ध के 553वां दिन दोनों देश के बीच हमला अवुरी जवाबी हमला के भयानक दृश्य सोझा आईल। रूस के पेस्कोव हवाई अड्डा पर ड्रोन हमला में कई गो रूसी विमानन के नष्ट होखे के दावा किल गिल।
सबेरे से पहले भी रूस बदला लेके यूक्रेन के राजधानी के निशाना बना के ड्रोन हमला का दहलस जवना में दो लोग के मौत हो गई। रूस के पेस्कोव में सैन्य हवाई अड्डा पर एक के बाद एक कई गो ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गिल यूक्रेन ऐसन हमला के जिम्मेदारी कब्बो ना लेला। लेकिन अंदाजा लगावल मुश्किल निखे कि रूस के अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के निशाना बनावल गिलबा दावा किल गिलबा कि ई यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़ ड्रोन हमला है। एकरा मुताबिक पेस्कोव हवाई अड्डा पर भईले हमला में 4 रूसी सैन्य विमान नष्ट हो गई। जवना ताकत से हमला भिलबा एकर अंदाजा एह बात से लगावल जा सकेला कि एह हमला में नाहियो तो 20 गो ड्रोन शामिल रहुवे। ई दावा रूसी मीडिया के बा। सबसे चौंकावे वाला बात ई बा कि ई रूसी हवाई अड्डा यूक्रेन से 400 मील से अधिका दूर बा। ई बेलारूस के उत्तर में बा और एकरे चारों ओर नाटो के देश एस्टोनिया और लातविया बाड़े। ऐसना में ई भी शंका पैदा हो रहल बा कि ई ड्रोन है नाटो देशन से आयल बा कि ना। दूसरा तरफ यूक्रेन से जुड़ल सूत्रन के दावा बा कि ई हमला रूस का भीतर से भिल बा। विसे भी यूक्रेन के बेलारूस पार करके रूस पर हमला किल संभव निखे लुकत। दिल्ली में अमेजन के मैनेजर के एगो मामूली मुद्दा पगोली सीसीटीवी फुटेज से आरोपी के पहचान हो रहल बा। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के सीनियर मैनेजर हरप्रीत रात के करीब 11:30 बजे अपना मामा गोविंद के संगे उ बाइक पर निकलल रहले कि कवनो मुद्दा पर उनुकर बहस भइल। जवना में दो लोग उनुका बाइक पर सवार रहले अवुरी 3 लोग उनुका स्कूटर पर सवार रहले। मामला इतना बढ़ गईल कि बाइक सवार दोनों के माथा में गोली मार देले। 36 साल के हरप्रीत के मौत हो गईल। उनकर मामा गोविंद गंभीर रूप से घायल बाड़े। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी के पहचान कैले बा। मुख्य आरोपी माया के बतावल जा रहल बा गैंग लीडर के है। नाबालिग के रूप में उदुबेर किशोर घर गईल बाड़े। माया सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय बाड़ी। बांह लहरावत देखल जा रहल बाड़ी। सड़क के गुस्सा हत्या के पीछे के मकसद बा। तो ई भोजपुरी भाषा में आज के बड़का खबर रहे जवन सुर्खी बन गेल। हमनी के ई कंटेंट किसन लागल कमेंट करके जरूर बताई। काल्ह फेरू हमनी के भोजपुरी भाषा में बड़ खबर लेके रुआ खातिर मौजूद रहम जा। फिर अपन ख्याल राखिए जा।